बिसमीम्सम एवरी एवरीवन डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड आई एम योर साइंस टीचर वेल स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट अवर टास्क फॉर दिस यू हैव टू ओपन योर रीडर बुक ऑफ साइंस पेज नंबर ट्वेंटी वन ओके स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर ट्वेंटी की रीडिंग की थी और मैंने आपको उस पेज को एक्सप्लेन किया था आज हम नेक्स्ट पेज नंबर ट्वेंटी वन स्टार्ट करेंगे सो लेट्स स्टार्ट इट Okay, today our topic is about types of teeth. At the age of six, the milk teeth start to fall out and new teeth appear in the gaps. There are 32 teeth in this second set, which are called permanent teeth. If they are looked after properly, they will last a lifetime. Okay, students, as you all know, that टीथ आर द इम्पॉटेंट पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम एज दे हेल्प इन चुइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड सो वेन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ टीथ तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब बच्चा तीन साल का होता है तो उसके माउथ में ट्वेंटी टीथ प्रेजेंट होते हैं और उस ट्वेंटी टीथ का जो सेट है उसको मिल्क टीथ या बेबी टीथ कहा जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बच्चा छः साल का होता है तो उसके जो मिल्क टीथ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू होते हैं टूटना शुरू होते हैं और उनकी जगह नए टीथ जो हैं वो ले लेते हैं और अब जो नए टीथ आपके माउथ में ग्रो करेंगे वो कितने होंगे थर्टी टू मीन्स के थर्टी टू टीथ आर प्रेजेंट इन योर माउथ और उन थर्टी टू टीथ का जो सेट है उसको परमानेंट टीथ कहा जाता है अगर हम अपने परमानेंट टीथ की अच्छी तरीके से केयर करते हैं उनकी देखभाल करते हैं उनको कीड़ा लगने से बचाते हैं डेली ब्रश करते हैं ताकि आपके टीथ खराब ना हो, तो आपके टीथ आपके लाइफ टाइम तक चल सकते हैं द नेक्स्ट इज द टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड दीज ए टीथ विच कट फूड आर कार्ड इन ओके okay, स्टूडेंट अब जरा डायग्राम की तरफ चलते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में ओके स्टूडेंट्स यहाँ देखें तो आपके जो फ्रंट फोर टीथ हैं उनको इंसाइजर्स कहा गया है आपके लोअर जॉ में भी फोर टीथ प्रेजेंट हैं फ्रंट फोर टीथ और आपके अपर जा में भी जो फ्रंट फोर टीथ हैं उनको इंसाइजर्स कहा गया है तो अपर जॉ में भी फ़ोर हैं लोअर जॉ में भी फ़ोर हैं तो इट मीन्स टोटल एट इंसाइज आर प्रेजेंट इन योर माउथ अब अगर इसके फंक्शन की बात की जाती है तो फंक्शन इसका क्या है कि ये टीथ जो हैं, आपके फूड uh, की कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करते हैं छोटे मींस आप जो नवाला लेते हैं वो आप इन टीथ की हेल्प से लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट है द पॉइंटेड टीथ बिसाइड साइड और इन साइजर आर कॉल्ड टीथ बिकॉज दिस टीथ आर पॉइंटेड एंड आल्सो शार्प दे हेल्प टू यूड देयर आर फोर कैनाइंस टू इन ईच जॉ ओके okay, स्टूडेंट्स अब अगर हम नेक्स्ट uh, टाइप uh, की बात करते हैं तो वो इंसाइजर्स के साथ जो नेक्स्ट की प्रेजेंट है उसको केनाइन कहा गया है ठीक है टू केनाइंस आर प्रेजेंट इन अपर जॉ ये आपका केनाइन है एक और एक ये केनाइन ठीक है एंड टू केनाइंस आर प्रेजेंट इन लोअर जॉ सो टोटल फोर कैनाइंस आर प्रेजेंट इन योर माउथ फंक्शन uh, ये है जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी पॉइंटेड मींस के नुकीले और तेज होते हैं तो ये फूड को टियर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट है द बिगर फ्लैटर द बिगर फ्लैटर टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ आर कॉल्ड मोलर्स एंड प्री मोलर्स दीज आर यूज टू ग्राइंड एंड च्यू फूड दे आर द टफस्ट टीथ ओके okay, स्टूडेंट्स अब अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं तो कैनइन uh, के साथ ही आपके जो हैं प्री मोलर्स प्रेजेंट हैं ठीक है टू आर फोर प्रीमोलर्स आर प्रेजेंट इन अपर जहा एंड फोर प्रीमोलर्स आर प्रेजेंट इन लोअर जहा इट मींस दैट टोटल एट प्री मोलर्स आर प्रेजेंट इन योर माउथ ठीक है और अगर इसी तरह प्री uh, मोलर्स के बाद नेक्स्ट हैं मोलर्स ठीक है मोलर्स भी आपके जो हैं वो थ्री uh, सिक्स मोलर्स आर प्रेजेंट इन अपर जॉ एंड सिक्स मोलर्स आर प्रेजेंट इन लोअर जॉ सो अगर हम यहाँ देखें आपके पास जो मोलर्स हैं इसको फर्स्ट मोलर कहा जाता है इसको सेकेंड मोलर और इसको थर्ड मोलर ठीक है तो जो थर्ड मोलर है उसको विजडम टूथ कहा जाता है ठीक है और जो विजडम टूथ है वो आपके कितने हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप जो लास्ट थर्ड मोलर है वो आपका विजडम टूथ है तो टू विजडम टूथ आर प्रेजेंट टू विजडम टीथ आर प्रेजेंट इन योर लोअर जहा एंड टू विजडम टीथ आर प्रेजेंट इन योर अपर जहा सो जो विजडम टूथ है uh, उसकी एक एज है वो सेवनटीन टू ट्वेंटी फाइव एज के दरमियान जो है वो आपके माउथ में अपियर होना शुरू होता है सो स्टूडेंट्स डैट्स ऑल अबाउट टूडेज टास्क Uh, अच्छे तरीके से आप लोगों ने पेज नंबर ट्वेंटी वन की रीडिंग करनी है डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनको अंडरलाइन करना है और उनकी स्पेलिंग अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करके उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है